हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब कुशल मंगल तो है ना? दोस्तों, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं आप, खुराफाती और तेज दिमाग वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। उनके खुराफाती दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। उन्हें ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि क्या ही कहा जाए। अपने कारनामों से वो सबको अचंभित कर देते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है? और हाँ, साथ में घंटा भी दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। कट्टाना वर्सेस बोतल इन स्लो मोशन। दोस्तों, कट्टाना जापान की कल्चर की सबसे फेमस तलवार होती है। अगर हम इसकी ताकत को वाटर बोतल पर आजमाएं तो वो भी स्लो मोशन में। जी हाँ, जरा देखिए इसे यहाँ पर। जैसे ही इस तलवार को इस खड़ी बोतल पर मारा जाता है तो बोतल की क्लियरली दो भागों में बढ़ जाती है। और ऐसा ही भाइयों, यहाँ पर चार कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर जैसे ही इसे हॉरिजॉन्टली चलाया जाता है, चारों की चारों आलू के जैसे कट जाती है। हैंड सैनिटाइजर वर्सेस फायर। दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर कोविड के बाद हर किसी के पास पाई जाने वाली एक बहुत ही कॉमन चीज बन चुकी है। तो क्या आप जानते हैं कि सैनिटाइजर की मदद से आप आग को अपने हाथों में ले सकते हैं? दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप हैंड सैनिटाइजर को कुछ देर जलाकर अपने हाथों में ले सकते हैं और ये गर्म भी नहीं लगेगा, बल्कि तब भी ये ठंडा ही लगता है। लेकिन ज्यादा देर तक इसे हाथों में ना लेकर बने रहें। फास्ट रेप्टाइल इन स्लो मोशन बाय स्लोमो गाइड। दोस्तों, कैमेलियन एक ऐसा जानवर होता है जो कि बहुत आसानी से अपने रंग बदल लेता है, पर क्या आप जानते हैं कि अपने शिकार का शिकार कैसे करता है? चलो फिर अब इसको स्लो मोशन में देख लेते हैं, कैसे जीभ से अपने शिकार को कैच कर लेता है। दिलचस्प है ना? दोस्तों, ऐसे ही कुत्ते को स्लो मोशन में पानी पीते हुए देख लीजिए, कैसे अपनी जीभ से चुल्लू बनाकर पानी पी लेते हैं। लावा वर्सेस आईफोन। दोस्तों, हाथों में आईफोन होना हर इंडियन का सपना होता है। खैर, ये तो मेरे पास भी नहीं है, पर कुछ रईस यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर लावा डाल दिया बस एक वीडियो बनाने में। तो अब भाई इसको देखते हैं। देखकर वैसे बहुत ही दुख हो रहा है, जिस तरह से इसकी स्क्रीन चटक कर फूटी है ना, वो चीज बहुत ही गजब लग रही थी। मगर 1 लाख रुपए का धुआं धुआं, ओहो। रिवर मीटिंग ओशन। दोस्तों, बूंद बूंद से सागर बनता है, ये तो आपने सुना होगा, पर क्या कभी बूंद बूंद से नदी को बनते देखा है? चलो आओ बताई देता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो वेने स्टन नाम के शख्स द्वारा फिल्माई गई है, जिसमें शख्स ने उस जगह पर जहाँ पर ब्लैक रिवर इंडियन ओशन से मिलती है ना, वहाँ नदी की एक छोटी सी धार को ओशन से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर देखते देखते आंखों के सामने उसी जगह पर इतनी बड़ी नदी बन गई ना कि आप देखकर कह ही नहीं सकेंगे कि ये वही जगह है। दोस्तों, इस जगह को रिवर बीच कहते हैं, जिसमें नदी का पानी अपनी दीवार को तोड़कर अलग ही दिशा में बहने लगता है। पर जो भी हो, ये एक्सपेरिमेंट काफी कमाल का है। नीर नल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्यास लगने पर आपको कहीं भी पानी मिल जाएगा पीने के लिए? बस जरूरत है इस नीर नल की, जिसे हमारे इंडिया के कर्नाटक के निरंजन लाल के नाम के एक शख्स ने एक्सपेरिमेंट के रूप में तैयार किया था। और वो वाटर फिल्टर इतना पॉपुलर हो गया कि आज उन्होंने इसके 3 करोड़ से भी ज्यादा पीसेस बनाकर बेच दिए हैं। और उन्हें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस गंदे पानी को बोतल में भरना है, उसके ढक्कन की जगह इस फिल्टर को लगाना है और पानी पी लेना है। ये चीज एकदम गंदे से गंदे पानी को भी साफ सुथरा बना सकती है। जी हाँ, सिर्फ 30 रुपए में। हिप्नोटाइज एनी एनिमल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको हिप्नोटाइज करने की कला आती है तो आप क्या क्या ना कर सकते? वेल, आप इंसानों को तो नहीं, पर जानवरों को आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते हैं, जिसमें मुर्गियों को हिप्नोटाइज करना बड़ा आसान काम है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही बताया गया है, जिसमें एक मुर्गी को पकड़ कर उसके सामने जैसे ही जमीन पर एक लाइन खींची जाती है, वो बेहोश हो जाती है। खुद ही देखिए कैसे इसके साथ ये ट्रिक की गई है, और मुर्गियों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। दरअसल ऐसा करने से मुर्गियाँ थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाती है और अपनी सुध बुध खो बैठती है। कार वर्सेस पियानो। दोस्तों, आपने पहले देखा होगा कि एक कार पर कार गिराने से क्या होता है, उसी तरह कार बूमनेस एक्सपेरिमेंट में एक कार के ऊपर एक पियानो 100 फीट की ऊंचाई से गिरा दिया। भाई साहब, अगर कोई इस कार के अंदर होता ना तो बच पाना बड़ा मुश्किल था। चीप वर्सेस एक्सपेंसिव हेलमेट। दोस्तों, आए दिन पुलिस वाले हेलमेट ना होने पर चालान काट देते हैं। अब इसी चक्कर में कुछ लोग सस्ते हेलमेट खरीद लेते हैं, जबकि बाजार में महंगे हेलमेट भी अवेलेबल हैं। तो आप भी अगर सस्ता हेलमेट खरीद कर खुद को होशियार समझते हैं तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, सबसे सस्ता वाला 1 बार में टूट गया, जबकि महंगा वाला 3 बार हथौड़े मारने के बाद भी नहीं टूट सका। तो इसीलिए क्वालिटी मैटर्स, समझ गए ना? अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो बस नीचे कमेंट्स में लिखकर यस लिख दीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? अभी दीजिए इजाजत, देखने के लिए शुक्रिया।